मैं पैदा हुआ, पत्रकारों से ही मिलना जुलने का कार्यक्रम शुरू हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग गए, तो मेरी ओर से आप सबों का अभिनंदन। मित्रों, कल हम चुनाव आयोग का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने चुनाव के कार्यक्रम, चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। ये चुनाव कोरोना के अंतर्गत होगा, इसलिए इस चुनाव में कई चुनौतियां भी हैं, कई अवसर भी हैं। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि राष्ट्रीय नहीं बिहार की भाजपा ने इस कोरोना के अवसर पर डिजिटल तरीके से अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, हर विधानसभा में बातचीत की, पंचायतों तक बातचीत की, और बाद में बाकी पार्टियों ने भी उसको फॉलो किया। अच्छा लगा, कुछ लोग फॉलो करने की कोशिश किए और धराशायी भी हो गए तो उन्हें प्रयास ही छोड़ दिया, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हम तो तैयार थे, चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार था और वो कल आ गया, तो चुनाव आयोग का बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सभी चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो भी अभियान की रूपरेखा बनेगी उसके अनुसार हम प्रचार करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए को बिहार की जनता पुनः आशीर्वाद देगी, निर्णायक, प्रामाणिक। और उसके कारण है हमारा काम, नीतीश कुमार की अगुवाई में सुशील मोदी जी के साथ जदयू भाजपा का जो काम रहा वो जनता ने देखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो प्यार है उसका प्रकटीकरण कैसे जमीन पर हुआ है जनता ने यह भी देखा है। अगर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस था तो वो डिलीवर हुआ। अगर नेशनल हाईवे बनना है तो जमीन पर आया। अगर रेलवे लाइन का विस्तार होना है तो काम शुरू हुआ। अगर भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर बिहार के हर गांव में बिजली देनी है तो बिजली पहुंची। अगर बिहार के नौजवानों के लिए IIT बनना तो बिहार में बना, NIT तो पटना में आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बिहार में 2 आई, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट, चंद्रगुप्त मौर्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तो बनकर सामने खड़ा है, आप देखते हैं। अगर बिहार में स्वास्थ्य की चिंता करनी थी तो एम्स पटना ने इस कोविड में जो काम करके दिखाया आप सबों ने देखा है, अब दरभंगा में भी एम्स आ रहा है। बाकी मैं बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले इसको गिनाऊंगा नहीं, मैं कुछ प्रमुख बातें बता रहा हूं आपके सामने। और ये मामला मेरे विभाग का है तो आपको मालूम है, निर्देश हो तो क्या बिहार के सारे 45,000 गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ले जाए? मैंने कहा ले जाओ, बिहार के नौजवानों को गांव में इंटरनेट मिलना चाहिए। और आज कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आने वाले मार्च तक बिहार के 45,945 गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं। ये मैंने आपको कुछ काम बताए। अभी कोरोना का समय आया था, आपको मालूम है देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। बिहार में भी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देना चाहता हूं कि जितना दिया गया है, बिहार में 9,44,00,000 लोगों को 45,00,000 मेट्रिक टन अनाज ये अप्रैल से नवंबर के बीच में दिया जा रहा है, दिया गया है, बाकी नवंबर तक चलेगा। 2.5 करोड़ बिहार की महिलाओं को 1,500 रुपया दिया गया है, आपको पता है। और कुछ लोग किसानों की बात कर रहे हैं,
ट्रैक्टर पर बैठकर करके। हमने किसानों के लिए काम क्या किया है, देश के 10 करोड़ किसानों को हम देते हैं, मालूम है, 2000 रुपया हर 3-3 महीने पर, किसान सम्मान योजना। तो हमने देश के 10 करोड़ किसानों को अभी तक 93,000 करोड़ रुपया दिया है, और बिहार में कितना दिया है, हमने 15,73,000 किसानों को 5,909 करोड़ रुपया दिया है। बाकी बिहार सरकार ने बहुत काम किया है, आपको मालूम है, राशन में 1,000 रुपया, श्रमिकों के लिए। जब चुनाव चलेगा तो हम बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो हाईवे हो या विलेज वे हो, गांव की सड़कें हो या बड़े हाईवे हो, एक बात विकास की बात हो, 1950 से तो आप जोड़ लीजिए, लोग शासन में रहे हैं, गंगा पर कितने ब्रिज थे और आज कितने ब्रिज बन गए और कितने ब्रिज बनने वाले हैं, आप यही से जोड़ लीजिए उत्तर भारत, बिहार और दक्षिण बिहार। क्या कहा गया था कि ये महात्मा गांधी सेतु बन नहीं सकता, आज देखिए वो कितना बन करके आपके सामने तैयार है। तो चाहे वो IIT हो या लॉ यूनिवर्सिटी हो या एम्स हो या गंगा नदी पर ब्रिज हो या डिजिटल कनेक्टिविटी हो, सब कुछ करके हम लोगों ने कोशिश की है और जनता का आशीर्वाद हम आगे भी प्राप्त करेंगे। आगे बिहार को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसके पीछे हमारी एक सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, भारत का समावेशी विकास नहीं होगा, और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, ये सोच है हमारी। एक तो संक्षेप में हमें यह बात कहनी है, इधर नीति स्पष्ट, विकास विकास विकास, नेता स्पष्ट नीतीश कुमार, दल स्पष्ट समन्वय, साथ काम करने का संकल्प, और राष्ट्रीय स्तर पर नेता स्पष्ट नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के विकास के लिए संकल्पित, तो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार मिलकर काम करेगी। तो यह है हमारी सोच। उधर क्या है, नेता के बारे में स्पष्टता नहीं है, गठबंधन से निकलने की तैयारी चल रही है, आगे कौन रहेगा नहीं रहेगा ये आगे देखना है। लेकिन सबसे कौतूहल मुझे एक बात से हुआ कि आजकल एक पार्टी के बड़े होर्डिंग में उनके 2 पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री दिखाई नहीं पड़ते। मैं तो जानते हैं किसी का नाम लेता नहीं हूं, मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे एक ही सवाल पूछना है, अपनी विरासत से इतनी शर्मिंदगी क्यों है भाई? फिर कहूंगा, अपनी विरासत को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? तो अगर 2-2 पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य विपक्षी दल के होर्डिंग से गायब हैं, तो मतलब दिखाने को कुछ नहीं है। ये हैं बड़े सवाल, और इन सवालों का जवाब इस चुनाव में पूछा जाएगा। मित्रों, हम एक बात स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जिस विश्वास के साथ जनता का आशीर्वाद मिला है, देखिए मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहूंगा, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया। 50 साल 60 साल क्या जो बिहार का परेशानी रही है, कुछ समय को छोड़ दें आप, तब जब श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से जो हाल रहा है आपको मालूम ही है। कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक सद्भाव की एक कोशिश की, फिर वो भी खत्म हो गया। मालूम बिहार के लोग विकास के लिए बहुत चाहते रहते हैं, और मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं विदेश जाता हूं,
भी पिछले वर्ष में गया था, ये आपके सिलिकॉन वैली में मेरा व्यापक दौरा था आईटी मंत्री के रूप में, और मैं इतना भावुक हो गया, मेरे हर कार्यक्रम में हिंदुस्तानी तो आया करते थे, कहा सर हम मुजफ्फरपुर के हैं, हम पटना के हैं, वो अपनी बिहारियत का परिचय मुझे दे रहे थे। तो मुझे इतना गर्व हुआ कि बिहार के बच्चे आज सिलिकॉन वैली में भारत की आईटी क्षमता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस व्यक्तित्व को हम और आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ हमने अभी तक काम किया है इसकी गति को और आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आई विल बी ओपन टू क्वेश्चंस। सर वन क्वेश्चन, एक मिनट। शिव पूजन जी, जरा सा एक, शिव पूजन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सबका उत्तर दूंगा, लेकिन संजय जी मेरी प्रेस के नियंत्रक हैं, ठीक है, जिसको आइडेंटिफाई करें मैं उत्तर दूंगा। चलिए, एक तो हम लोग सब लोग पूरा समय आदरणीय रवि जी देंगे, हम लोग सब लोग एक एक करके सवाल आराम से करेंगे तो बहुत अच्छे तरह से संचालित हो पाएगा। मेरा सादर अनुरोध है माननीय शिव पूजन जी से, आप अपने सवाल अपने स्थान पर खड़े होके करें। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि एनडीए एक है और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा, इसमें मैं जरा भी संदेह नहीं है। अगर कहीं किसी को कोई परेशानी है तो हम उसके समाधान का रास्ता भी निकालते हैं और निकाल और और, और, और आप कृपा करके मुझे बोलने दें तो बड़ी कृपा होगी। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्रीमान, तो हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर ही लड़ेंगे, ये आपको हम विश्वास से कहना चाहते हैं। रंजन जी, आपके सवाल है क्या? देखिए, मैं किसी पार्टी पर ना कोई कमेंट करूंगा ना कुछ करूंगा। एलजेपी एनडीए के साथ है केंद्र में, हमारे उनके संबंध अच्छे हैं, हम लोगों ने पिछले चुनाव को भी साथ लड़ा है, लोकसभा भी साथ लड़ा है, हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग साथ लड़ेंगे। मैनिफेस्टो आपके सामने आएगा ना, तो आप उसको देखेंगे। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि चाहे वो जदयू का मैनिफेस्टो हो या बीजेपी का मैनिफेस्टो, हम दोनों की साझा कोशिश है बिहार के विकास की। और जो भी मैंने नीतीश कुमार जी का कल टिप्पणी देखी है, उनके साथ निश्चय टू में भी बिहार के विकास की झलक है। और कोई प्रश्न? कौन? संजय त्रिपाठी, राष्ट्रीय सहारा। ऐसा है संजय जी, ये चर्चा चलती है, आपको मालूम है हमारे यहाँ सिस्टम है कि प्रदेश की चुनाव समिति बैठ के निर्णय करती है, फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाता है, वैसे हम लोग फीडबैक लेते हैं, फिर उसका निर्णय होता है, और उसके पश्चात जदयू का अपना सिस्टम है, वो अपने अनुसार घोषणा करेंगे, फिर हम लोग में आपस में बातचीत होती है, सीट कौन कितना लड़ेगा, तो इस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। इस प्रक्रिया के बारे में मेरी पत्र परिषद में चर्चा करना उचित नहीं होगा। एक मिनट, अभय जी, प्रकाश सिंह रिपब्लिक। हॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर केंद्र सरकार कितना सीरियस है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला उभर कर सामने आ रहा है, जहां तक हॉलीवुड के एक्टर्स एंड एक्ट्रेस कंज्यूमिंग ड्रग्स इन कंसर्न, और इसका लिंक जो है इंटरनेशनल लेवल पे है, दुबई और मेरी अंडरवर्ल्ड का भी लिंक हो सकता है, तो आप क्या, आप लोग केंद्र सरकार क्या करने जा रही है, क्या कोई डोप टेस्ट होगा एक्टर्स के लिए? देखिए, इसके बारे में नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो काम कर रहा है और उसको ईमानदारी से काम करने दिया जाए। ड्रग्स कहीं भी हो ये चिंता की बात है, तो वी वुड लाइक द एजेंसी टू डू इट्स वर्क एंड वी डोंट विश टू इंटरफेयर देयर। अभय सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया। अभय बाबू कैसे हैं, बोलिए। सर
समय नजदीक है ना, चिंता मत करिए आप। और आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आपने हम लोग को कई बार चुनाव के साथ देखा है, हो जाएगा, सब ठीक होगा। देखिए सामान्यतः ऐसी ओछी टिप्पणियों पर मैं कोई बात नहीं कहता, लेकिन कल भाजपा कार्यालय पर कौन घुसा, क्या अटैक किया, सब आप लोगों के वीडियो पर है। ये क्या मतलब है इसका? आप जाइए अपना काम करिए, जुलूस निकालिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, आलोचना करिए, लेकिन भाजपा जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके कार्यालय पर आकर हमला करेंगे तो सब दिखाया गया है, इसके पीछे कौन सा मानसिकता है? ये तो ठीक नहीं है, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। और हमने पूरा वीडियो देखा है कैसे कुछ लोग आए थे कि उनको पब्लिसिटी मिले, ये ठीक था क्या? ये ठीक नहीं है। सर बिहार में हर साल बाढ़ आती है, आपकी सरकार नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से रही है, क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, अभी जिला बाढ़ डूबा हुआ है सर? देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, बाढ़ आती है दुर्भाग्यपूर्ण है, बाढ़ में राहत का काम भी इस बार प्रभावी रूप से कराया गया, 20 लाख लोगों को आपको मालूम है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है उसमें नेपाल में बांध बनना भी जरूरी है, ये आपको मालूम ही है। अटल जी की सरकार में कोशिश की गई थी, वहां पर समस्या कुछ और है, कुछ समस्या पॉलिटिकल है, लेकिन जो बिहार में सारी नदियां आती हैं अधिकांश तो नेपाल से ही आते हैं, आप भी जानते हैं, कई बार बराज बनाते हैं लेकिन पानी के दबाव में बराज को खोलना पड़ता है, ये भी समस्या होती है, तो उसको देखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है रंजीत जी, ईटीवी भारत, सिटी गेटिंग का फॉर्मूला इस बार आप लोग मानेंगे? और दूसरा है कि क्या पारंपरिक आपकी अपनी कुछ सीटें उसको जल्दी के लिए छोड़ सकते हैं? आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जो सवाल का निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को करना है और पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, तो मैं भाजपा का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अनुशासन की मर्यादा का ध्यान रखूं, जो निर्णय पार्टी के बड़े सिस्टम को करना है उसको उन्हें करने दिया जाए। हमको लग रहा है सारे प्रश्न हो गए, आप सब आए हैं इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475।